Hello everyone, welcome back to SR Education. तो समस्तांको स्वागत आमर YouTube चैनल SR Education. तो plus two रे क्यों सब्जेक्ट पढ़ी बे? Arts नियों तो, Science नियों तो बा Commerce. तो सबू पिला माना को मंदरे कुटिये प्रश्न सर वीडियो नहीं आसन तो कोटा compulsory subject आ कोटा optional subject आमे जानी पारूं. तो बहुत सारा पिलांगरो एक क्वेश्चन दिला सर एमिति वीडियो ने असन जुत्रे के हमको डिटेल्स रे कोटा आर्ट्स ऑप्शनल कोटा साइंस रे ऑप्शनल आ कोटा कॉमर्स रो हमको से विषय पर डिटेल्स रे गुटी वीडियो नहीं के असन आ जदी एबे थु हमें न जानिबा तो पोरे कांदीबा को पड़ीबो अर्थात जते बेला हमें एडमिशन करिबा जदे हमें जानि नथिबा कोटा कंपलसरी कोटा ऑप्शनल हमें जदी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक न होला तुम्हें आर्ट्स नियो साइंस नियो कि कॉमर्स तो से समय तुमको बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो जो परवर्त समय तुम्हें चिंता कले भी आवर्तन करनी तो दशम श्रेणी प्रत्येक पिला तो देख प्रथम कथा हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट तो सब बेले मन रख तुम्हें जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही ना तो कंपलसरी सब्जेक्ट तुम्हें कौन रही तो देख गोटे रहा इंग्लीश जोटा कि फास्ट इयर रे 100 मार्क आउ सेकेंड इयर रे 100 टोटल 200 सेम देख सेकेंड रे एटा कंपलसरी कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम तुम्हारे आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो इंग्लीश 100 मार्क 100 100 200 सेम दे एमआईएल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एमआईएल रे तुम्हें उड़िया नहीं पारिबो हिंदी हो संस्कृत हो बंगाली तेलुगु उर्दू अल्टरनेटिव इंग्लीश जे कौन से तुम्हें जोटा नहीं पार जड़क ओडिया ने भी हिंदी ओडिया ने भी नहीं पार जड़क ना ओडिया ने भी मुझे हिंदी ने भी नहीं पार जड़क संस्कृत जहाँ भी नियो एटा 100 100 200 रहा दुटा जाक इयर में ठीक अच्छे फास्ट इयर 100 सेकेंड इयर 100 तुम्हें ओडिया नहीं पार हिंदी देख ओडिया हिंदी संस्कृत बंगाली तेलुगु उर्दू बा अल्टरनेटिव इंग्लीश गोटे अच्छे जेकोसी तुम्हें नहीं पार तो ये 200 मार्क पड़ेगला तुम्हारा 600 मार्क आउ 400 मार्क बर्तमान देखा आर्ट्स देख आम प्रथम देखा आर्ट्स कथा ठीक अच्छे आर्ट्स देख कौन कौन रही ए स्टूडेंट शाल हैव टू ऑफर एनी फोर इलेक्टिव सब्जेक्ट ईच कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स 100 मार्क फर्स्ट ईयर पुणी 100 मार्क सेकेंड ईयर जेकोसी चारिटा तुम्हारे देख तुम्हार प्रथम कौन 200 मार्क तुम्हें नहीं जाइ 200 मार्क कंपलसरी तो 400 पॉलिटिकल साइंस हो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री लॉजिक और ज्योग्राफी देख तुम्हें आट ए टाइम ये दुटा नहीं पार्बनि तो गोटे केयरफुली देख ये जिनसा तुम प्रोब्लेम घटे कौटे जितेबाला तुम्हें ये करो ना सब्जेक्ट ना बेले ये गोटे गोलमा घटि जाए कि लॉजिक आ ज्योग्राफी जनकर आट ए टाइम जड़े आड कर देख जी लॉजिक नहीं ज्योग्राफी नहीं पार्बनि मैथमेटिक्स भी तुम्हें नहीं पार सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स या भितर गोटे नब है आइदर सोशियोलॉजी नब और स्टैटिक्स सेमती एजुकेशन नहीं पार ना साइकोलॉजी इनफॉरमेशन रखे जियोग्राफी है यहाँ जियोग्राफी एटा भी जियोग्राफी अच्छे तो जेकोसी तुम्हें ये नहीं पार ठीक अच्छे एजुकेशन नहीं पार ना साइकोलॉजी ना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ना जियोग्राफी सेमती आउ गोटे कहे ओडिया संस्कृत हिंदी उर्दू बंगाली तेलुगु तो या भितर तुम्हें गोटे नहीं पार है तो आठटा अच्छे जेकोसी तुम्हें चारिटा तुम है तुम्हें चारिटा ही इम्पोर्टाट तुम्हें चारिटा जेकोसी नहीं पार यार रही केवल देख कौ स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम पर देख सेक्शन गोटे पॉइंट वन देख देख गोटे अच्छे सेक्शन वन एजुकेशन ने एजुकेशन और साइकोलॉजी रु गोटे नब है एंड एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बाकी इकोनॉमिक्स हो हिस्ट्री देख मैथमेटिक्स तो नि मेजोरिटी आर्ट्स पिला लॉजिक नहीं पार बा पॉलिटिकल साइंस यार भल स्कोप अच्छे पिला पॉलिटिकल साइंस ठीक अच्छे सेम देख जियोग्राफी सेकेंड जियोग्राफी आई टी स्टैटिस्टिक्स तुम यदि एथर गोटे नहीं गल अन्य तीन टाइम इकोनोमिक्स हो हिस्ट्री हो पॉलिटिकल साइंस है जहाँ नहीं पार ठीक अच्छे
କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଚାରିଟା ନେଇପାରିବ ଏଥିରୁ, ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲା ଏମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲା, ବା ଲଜିକ୍, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଚାରିଟା ନେଇପାରିବ। ତିନି ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର। ଯିଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେଇଛି ସେ ଲଜିକ୍ ନେଇପାରିବନି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ସେଭଳି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଟୁଗେଦର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତୁମେ ସାଇନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପଳେଇଗଲା, ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମର ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତୁମେ ଜାଣି ହେଇଗଲ 200, ତ ଫିଜିକ୍ସ ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପଲସରି, ଇଏ ଆଇଲା 100, ଓକେ, ଇଏ ଆଇଲା 100। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଅର୍ ବାୟୋଲୋଜି ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଦେଖ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅର୍ ବାୟୋଲୋଜି ନେଇପାରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଫୋର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇପାରିବ। ଜଣକ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ନେଇଯିବି ନେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ଲି, କେବଳ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ। ମ୍ୟାଥ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଉଣ୍ଡ, ତା ବାଦ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ ନେଇପାରିବ, ବା ଥାର୍ଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଥ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିରୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗଲା ସାଇନ୍ସ। ଦେଖ କମର୍ସ, କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଗୋଟେ ରହିବ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ BSM, ସେମିତି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ BMS, ଏଇଟା BSM, ଏଇଟା BMS। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେ ନେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଏଇଟା ନେବ କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ହେଲା। ତ ଏଇତିକ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର ରହିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ନିଅ, ତିନିଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମର ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।